अपने जन्मदिन से पहले इटावा के भड़तना पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जहां मीडिया से बात करते हुए बोले, जब से सरकार में बीजेपी आई है उनका एक एक फैसला आरक्षण के खिलाफ रहा है। जब से दिल्ली और यूपी की सरकार में आए हैं तब से पीडीए परिवार के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि जो बहुजन समाज, जो पड़ा परिवार, जिनको आरक्षण के सम्मान से जीवन जीने का मौका मिलता था, उसे आरक्षण के साथ लगातार सरकार खिलवाड़ कर रही है। दिल्ली की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें पीडीए परिवार के कोई लोग दिखाई नहीं देंगे। मैं इंडिया की जीत के लिए बधाई देता हूँ और मुस्कुराकर कहा कि देश के लोग इंडिया की जीत की खुशी मना रहे हैं। पीडीए की तर्ज पर ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस बार वृक्षारोपण का कार्य करेंगे, जैसे बरगद पीपल, इनकी जड़ें मजबूत होती हैं। वहीं उन्होंने आगे कहा कि उपचुनाव की तो अभी तारीख भी नहीं आई है, इसमें बीजेपी को अभी घबराने की जरूरत नहीं है, बीजेपी हारने जा रही है। अभी जो नीट का एग्जाम हुआ, कम से कम वह तो नीट एंड क्लीन हो, क्योंकि हमारे भविष्य के डॉक्टर बनने जा रहे हैं। भविष्य में हमारा स्वास्थ्य कैसा बेहतर रहेगा, बीजेपी के लोगों का अभी से नहीं पुराना इतिहास उठाकर देख लें। यह जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के साथ खिलवाड़ यही करते हैं और उंगली दूसरों पर उठाते हैं। जैसे यह आरक्षण की चिट्ठी आ गई, आखिरकार कौन है जिम्मेदार? आइए सुनते हैं आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है उनका एक एक फैसला देख लें अगर आप, उसमें आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुई है और आरक्षण की जो मूल भावना थी उसके खिलाफ लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जब से दिल्ली और यूपी की सरकार में आए हैं, मैं यूं कहूं कि पीडीए परिवार के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि जो समाज, जो बहुजन समाज, जो पीडीए परिवार, चाहे वो अल्पसंख्यक हों, आदिवासी हों, आदि आबादी हो, पिछड़े हों, दलित हों या अन्य जातियां, जिनको आरक्षण से सम्मान का जीवन जीने का मौका मिलता था, उस आरक्षण के साथ लगातार सरकार खिलवाड़ कर रही है। जहां तक पिछले चुनाव में एक कदम बढ़कर के हम सभी लोगों ने मांग की कि जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले, यही हमारा संविधान कहता है और यही मूल भावना थी मंडल कमीशन की, यही बाबा साहब चाहते थे, यही डॉक्टर रामलाल लोहिया चाहते थे, यही नेताजी का रास्ता रहा। ये जो लोग आजकल पत्र लिख रहे हैं या दिखावटी काम कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को बचाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये रखवाली करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें महसूस हो गया है कि इधर जागरूक जनता इनके खिलाफ मतदान कर रही है। पहला सवाल ये है कि यही लोग आरक्षण को लेकर के जो आज चिंता व्यक्त कर रहे हैं, लेटरल एंट्री हुई थी तब कहाँ थे? वाइस चांसलर जो अपॉइंट हुए दिल्ली से और उत्तर प्रदेश से, जो वाइस चांसलर्स अपॉइंट हुए हैं उसमें कहीं पीडीए परिवार के लोग आपको नहीं दिखाई देंगे। दिल्ली की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें पीडीए परिवार के लोग कहीं नहीं दिखाई देंगे। जो दिल्ली की सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, अगर हम उसके नौकरी के आंकड़े निकालें तो वहाँ पर पीडीए परिवार के आज तक, जब से यूनिवर्सिटी बनी है और आज तक, 15% भी पीडीए परिवार नहीं है। और यही हालत बीएचयू यूनिवर्सिटी की है जहाँ से प्रधानमंत्री चुन करके जाते हैं। अगर हम ये दो यूनिवर्सिटी का देख लें और वाइस चांसलर्स का अपॉइंटमेंट देख लें और वाइस चांसलर्स ने जिनको नौकरी दी है उनके हम आंकड़े देख लें, तो आप पाएंगे कि इस सरकार में आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुई है। आरक्षण की मूल भावना से ये अलग हुए हैं, ये आरक्षण के पक्ष में नहीं है। 1 तारीख से समाजवादी पार्टी वृक्षारोपण करने जा रही है। देखिए, ये जो चिट्ठी पत्र या जो आरक्षण के पक्ष में आज बोल रहे हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को बचाते हैं। ये उस दल को बचा रहे हैं जो दल भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के खिलाफ है। सर, क्रिकेट में आपकी दिलचस्पी है, कल
मैं इंडिया की जीत के लिए बधाई देता हूं और पूरे देश के लोग इंडिया की जीत पर खुशी मना रहे हैं। कल समाजवादी पार्टी वृक्षारोपण करने जा रही है, शुरुआत किस तरह से क्या है? मैं कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं जहां वो एक कार्यक्रम चला रहे हैं जहां वो पेड़ लगाएंगे और कह तो रहे हैं कि पीढ़ी पेड़ लगाएंगे, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, ये ऐसे पेड़ हैं जिनकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। तो हमें उम्मीद है कि जहां पेड़ लगा रहे हैं वहीं समाजवादी विचारधारा को भी बहुत मजबूत बनाएंगे। देखिए ये फैसला अभी का नहीं है, बाद का होगा। अभी तो तारीख ही नहीं पता है कि चुनाव कब होगा। इसमें बीजेपी को घबराने की जरूरत नहीं है, बीजेपी हारने जा रही है। सर सदन में आप बैठ रहे हैं, सदन शुरू हो गया है, पिछले मुकाबले किस तरीके का अंतर आप देख रहे हैं, बीजेपी की कैसी? याद होगा आपको जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था तो हम याद दिलाते थे कि 60 लाख बच्चों के परिवारों के साथ खिलवाड़ हुई थी, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुई, और उसका गणित भी बताते थे कि अगर उस परिवार के सदस्यों को केवल हम माँ बाप को जोड़ दें तो 3 गुना 60 लाख, 1 करोड़ 80 लाख परिवार या लोग ऐसे थे या वोट जो प्रभावित थे सीधे सीधे। अभी जो नीट का एग्ज़ाम हुआ है, कम से कम नीट का एग्ज़ाम तो नीट एंड क्लीन हो, क्योंकि वो भविष्य के हमारे डॉक्टर बनने जा रहे हैं। भविष्य में हमारा स्वास्थ्य कैसे बेहतर रहेगा उसकी जिम्मेदारी उनके कंधे पर होगी। ये बीजेपी के लोग अभी से नहीं, इनका पुराना इतिहास उठा करके देख लो, ये जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सबसे ज़्यादा खिलवाड़ ये करते हैं, खिलवाड़ खुद करते हैं, उंगली दूसरों पे उठाते हैं। जैसे ये आरक्षण की जो चिट्ठी आ गई, आखिरकार कौन है जिम्मेदार इसके लिए? बीजेपी खुद जिम्मेदार है। तो जब अपॉइंटमेंट्स हो रहे थे ये तमाम चिट्ठी लिखने वाले कहाँ थे? देखिए जो अन्य दलों का फैसला होगा, और अन्य दल अगर चाहते हैं कोई इस तरह का, और ये बात पहले भी कही गई कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष को मिलना चाहिए, डिप्टी स्पीकर विपक्ष का हो। सर लगभग 4 महीने बाद मोदी के मन की बात आज पत्रकार कार्यक्रम शुरू हुआ, 111वां संस्करण है, मैंने तो सुना नहीं। सर पीडीए से क्या लग रहा है आपको कि भाजपा की पीडीए से घबरा रही है क्या, किस तरीके की रणनीति अपने बदलने के प्लान बना रहे हैं? पीडीए के साथ साथ बीजेपी भारत की जनता से घबरा रही है, क्योंकि भारत की जनता जागरूक हो गई है। आज पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो अपने अधिकारों को समझते हैं, और जो अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर रहा है उनके खिलाफ वो खड़े हुए हैं। बीजेपी ने अभी तक 10 साल में सबसे ज़्यादा खिलवाड़ किए उनके अधिकारों के साथ, इसीलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और नेताजी का जो रास्ता है उसी पर चल करके हम लोगों को ये जीत मिली है। इस जीत के लिए उत्तर प्रदेश की जनता का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, उत्तर प्रदेश की समझदार जनता, और वो जनता जिसने संविधान बचाने के लिए मतदान किया। हम उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि संविधान पर कभी भी आ जाएगी तो समाजवादी लोग जनता के साथ खड़े दिखाई देंगे। अच्छा अब सरकार को सब पता है, अब कौन से सबूत सरकार को चाहिए? अब भी सरकार को सबूत चाहिए, विपक्ष के लोग होंगे तो उनके बिना सबूत के, बिना जांच के कार्रवाई, लेकिन अब क्या सबूत चाहिए सरकार को? सोचिए आप, हर चीज है, जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ सब बातें साफ आ रही हैं, सबने सुना है, और कोई छोटा चैनल नहीं है, देश का बड़ा प्रतिष्ठित चैनल है जिसके माध्यम से लोगों को जानकारी मिली है। अगर नीट के एग्जाम में इस तरह की खिलवाड़ होगी या तमाम परीक्षाओं में जो खिलवाड़ हो रही है, अभी बच्चे आरओ एआरओ वाले बैठे हैं, बताओ उनके साथ कितना बड़ा भेदभाव हुआ, वो अपना पूरा जीवन लगा देते हैं कि उन्हें नौकरी मिल जाए, और नौकरी इसलिए चाहते हैं कि उनका जीवन बनेगा उसके, ये उनके भविष्य जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नहीं कोई चैनल बनना चाहे तो बता दे। कल आपका जन्मदिन है, किस तरह से चीजें रहेगी कल? देखिए मैं जन्मदिन कभी मनाता नहीं, और मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि सादगी के साथ मनाएं। आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूँ। नहीं धन्यवाद है।